जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। का दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल जीवन संसार में। दोस्तों हल्दी हो या दूध हो, दोनों का उपयोग भारत में काफ़ी मात्रा में किया जाता है और दोनों आयुर्वेद या फिर होम में मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। दोनों में काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये हमारे लिए एक औषधि के रूप में काम करते हैं, और अगर इनको साथ में मिला के पिया जाता है तो ये इनके फायदे दुगने हो जाते हैं। हल्दी एक एंटीसेप्टिक की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, वहीं हमारा जो दूध रहता है वो हमारे शरीर के बोन्स के लिए कैल्शियम रहती है उसमें काफ़ी मात्रा में, तो बोन्स या फिर हमारे शरीर की दूसरी कई चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्दी तरीके से काम कर। हम हल्दी वाले दूध के बेनिफिट्स के बारे में आपको डिटेल वीडियो पहले भी बता चुके हैं, आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई कि क्या क्या बेनिफिट्स है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हल्दी वाला दूध किन्हें नहीं पीना चाहिए या फिर पीते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप उसका सेवन करते हैं, ताकि अगर आप इनमें से कोई लोग हैं तो प्लीज़ इसका सेवन अवॉइड कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह करके इसका यूज़ कीजिए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इसका सेवन करते हैं तो आप ध्यान रखें कि इससे आपका ब्लड शुगर कम करने में काफ़ी असरकारक है। तो अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे ब्लड शुगर आपकी लो होती है तो इससे काफ़ी लो होने का खतरा रहता है। तो आप अगर पीते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके पीजिए या फिर आप इस बात का ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहें। हल्दी जो रहती है हमारे शरीर में खून पतला कर देती है, और एकदम सर्जरी के बाद आप पियेंगे तो रक्त बहाव का खतरा बढ़ जाता है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसका सेवन ना कीजिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया ब्लड पतला करता ही, तो अगर आपको कहीं चोट भी लग गई तो ब्लड और ज़्यादा बहने लगेगा। इसके साथ में आप ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी तरीके की लीवर की समस्या, खासकर आपका लीवर बड़ा है, तो आप प्लीज़ इसका सेवन बिल्कुल ना कीजिए, आपको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है या फिर आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि मेल्स में अगर ज़्यादा मात्रा में हल्दी का सेवन किया जाता है तो कई मेल्स हैं जिनमें इसकी वजह से नपुंसकता की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म काउंट की कमी आ सकती है, इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो और आप अगर फैमिली मैन हैं। इसके अलावा अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर अगर आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो प्लीज़ आप इसको ना यूज़ क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल है तो आप प्लीज़ इसका सेवन बिना डॉक्टर से पूछ के ना कीजिए, क्योंकि कुछ केसों में इसकी वजह से गर्भाशय में ऐंठन हो सकती है या फिर गर्भाशय का संकुचन हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए कि अगर आपका किसी तरीके का ऑपरेशन होने वाला है और आप रेगुलरली पीते हैं हल्दी का दूध, तो आप प्लीज़ इसका सेवन थोड़े समय पहले बंद कर दें, क्योंकि ये रक्त को पतला करता है जैसे मैंने बताया आपको। और इसके अलावा अगर आपका ऑपरेशन रिसेंटली में हुआ है तो आप इसका सेवन कुछ समय तक ना करें, ताकि आपका घाव आराम से भर सके और उसके बाद आप इसका सेवन कर सकें। दोस्तों आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।